खोराबाद पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को उलझाने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि इंद्रदेव यादव पुत्र ईश्वर दत्त यादव निवासी बेदुआ उर्फ चनेव थाना बेलीपार ने 14 जून को अपने साथ मोबाइल और 4500 रुपये अज्ञात बाइक सवारों द्वारा लूट लिए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। 27 जून को खोराबार पुलिस को सर्विस टीम के द्वारा पता चला कि वादी का मोबाइल ऑन हुआ है, जिससे संपर्क करने पर उमेश पुत्र राम बचन निषाद निवासी ग्राम ब्रह्मपुर टोला पिपरहिया थाना जंगा बताया गया, जो कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अचानक मेरी साइकिल के आगे पीछे होकर पीछे करने लगे और मेरे पॉकेट में रखे मोबाइल को छीनने का प्रयास किए, किंतु मेरी साइकिल से टकरा कर गिर गए और उनका मोबाइल भी गिर गया था। मौके पर मेरे घर के लोगों के शोर करने पर भाग गए, जो मेरे साथ लूट का प्रयास कर रहे थे उनका मोबाइल मैंने रख लिया। इंद्रदेव ने पहचान होने के डर से अपने मोबाइल पर्स और पैसा लूटने का झूठा मुकदमा दर्ज करवा लिया। चौकी प्रभारी चंदन कुमार सिंह द्वारा विवेचना में पर्स व लूट का पैसा बरामद हुआ, जिसको लूट की झूठी सूचना देने पर शनिवार को रामनगर कड़जहां फोरलेन के पास से गिरफ्तार कर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक खोराबार सुनील कुमार राय, चौकी प्रभारी रामनगर कड़जहां चंदन कुमार सिंह, कांस्टेबल राकेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित उमेश तथा एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, वो लुटेरा हो नहीं पाया, लूट हो नहीं पाई ना, उससे लुटेरा हो जाता। ये चीज बहुत बढ़िया है ना, खोला था ना, इसी टफ काम है तो हमको। अरे शुरुआत करें, प्रेस नोट पीसी के पहले बांट दिया, अभी तो समझ में नहीं आती है जो साथ। कहाँ कराने वाले सर? पिपराइया। क्या नाम है आपका? उमेश सर। हम अपने मामा के घर से आ रहे थे, ये ब्लॉक है ब्रह्मपुर ब्लॉक, उस ब्लॉक के पाछा सर आ रहे थे, अपना गाड़ी लेकर आ रहे थे आगे पीछे। उसके बाद से कुछ दूर बाद आकर पूछे रास्ता, हम बुलाए इनको तरकुला का। उसके बाद कुछ दूर आकर बोले कि हमारा फोन लगा दीजिएगा। कौन बोल रहा है? यही सर, तो हम लोग सोचे रात को बात ये, तो हम अपना मोबाइल से फ़ोन लगाएं तो नंबर नहीं लगा। उसके बाद हमारे भैया का मोबाइल हमसे बड़ा है, तो उनका मोबाइल लेकर अपने नंबर डाल कर काम के पास लगा लिए, फ़ोन नहीं लगा था, उसी तरह बात कर रहे थे। उसके बाद गाड़ी चालू कर रहे मोबाइल लेकर जा रहे थे, तो हम लोग पकड़ लिए इनको। उसके बाद हम लोग उनके वहाँ पर बीमार हैं दो तीन झापड़, उसके बाद लिया जा रहे थे हम लोग चौकी पर, कुछ दूर लिया कर गए थे। उसके बाद रास्ते में आदमी मिले सब, सब बोलने उनको छोड़ दो, जाने दो जाने दो, हम लोग सर छोड़ दिए इनको। सर तीन लोग थे, दो एक ही मिला है, दो लोग चले गए। ये आज से कुछ दिनों पूर्व 14 जून की शाम को एक सनसनीखेज मुकदमा लिखा गया था कि फोर लेन के ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा तमंचा सटा के उससे लगभग 4500 रुपये और मोबाइल उसकी लूट कर ली गई। एसएसपी साहब द्वारा इसे काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और इसके पीछे खोराबार की टीम सर्वेलेंस की सहायता से लगी हुई थी, और इसी क्रम में जब आगे की विवेचना चली और सर्वेलेंस के माध्यम से जब उस फोन को ट्रेस किया गया, तो इस घटना में जो इनके द्वारा जानकारी दी गई थी वादी के द्वारा, वो पूर्णतया फर्जी निकली। और ये पता चला कि इनके द्वारा ही एक जगह मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया था झंगा क्षेत्र में, और जहाँ पर इन्हें पकड़ लिया गया था यहाँ से वो किसी तरह से अपने आप को बचा के भागे थे। उसी क्रम में इनका मोबाइल, इनकी एक चाबी, इनके पैसे, इनका पर्स एक जगह छूट गया था, और ये उसकी फर्जी सूचना दे के खोराबार पर इन्होंने मुकदमा लिखाया था ताकि इनके घर वालों को इसके बारे में जानकारी ना हो सके। जब जिस व्यक्ति के पास से ये मोबाइल बरामद हुआ, जब उनसे पूरी जानकारी ली गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि नई बाज़ार झंगा में 14 जून की रात्रि में लगभग 11 बजे के आसपास दो मोटरसाइकिल पे तीन सवार, एक पल्सर और एक और डिलक्स गाड़ी जो इस व्यक्ति के है जो इस मुकदमे में वादी था, इन दोनों के द्वारा उसको इंटरसेप्ट करके मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया था। तो उस क्रम में इन्हीं के विरुद्ध अब मुकदमे में 185 IPC की कार्रवाई करते हुए इन्हें ही इसमें अभियुक्त बनाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये मोबाइल का दुकान चलाते हैं और छोटे व्यापारी हैं, और उस दिन किसी शादी से अपने दो मित्रों के साथ लौट रहे थे, और उस क्रम में ये घटना हुई थी जिसका खुलासा अब हुआ है।
इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुमराह किया था घटना स्थल को लेके, पूरी घटना को लेके, और थाने तथा गजेटेड ऑफिसर्स को भी इन्होंने गलत सूचना दी थी जिसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मगर अब वास्तविकता पूरी तरह से निकल के आई है और इसके लिए थाना खोराबार की पूरी टीम बधाई की पात्र है कि उन्होंने संयम रखते हुए पूरी घटना का सही अनावरण किया।